क्योंकि हम सबके अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव देश शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है। ये कैसे संभव है कि उनका मंत्री बयान दे रहा है, तेजस्वी यादव को पता नहीं है? आपको लगता है कि आरजेडी में कोई मंत्री बार बार बयान दे देगा? सुधाकर सिंह ने बयान दिया तो कितना दिन मंत्रालय में रहे? वो दत्तानंद सिंह के लड़के हैं, इसके बावजूद उनको पद छोड़ना पड़ा। ये दलगत मामला है, दल वाले ही इनसे कहलवाते हैं। और जहां तक उस विषय को कहना चाहिए कि नहीं, तो कोई भी आदमी बता सकता है कि भाई आप बजाय इसके कि उलूल जलूल अनर्गल बात पार्टी के कहने पर, पार्टी के नेताओं पर के कहने पर, ये सब पार्टी वाले कराते हैं कि आप बयान दीजिए ताकि समाज में विद्वेष बढ़े, आपस में मारपीट हो, आपस में झगड़ा लड़ाई हो, बात विवाद हो, पत्रकार भी उसी में पड़ जाए और मूल विषय जो है पढ़ाई का, रोजगार का, विकास का, वो कहीं चला जाए हाशिए पर। को अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को भी सलाह देना चाहिए और सबसे पहले अपने मानना चाहिए, और फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। खुद ही ये लोग बयान दिलवाते हैं ताकि समाज में आपस में पोलराइजेशन हो, हिंदू मुस्लिम हो, अगड़ा पिछड़ा हो, और उसी पर रोटी सेकते हैं, उसी पर राजनीति करते हैं। और अब बात कर रहे हैं सकारात्मक राजनीति का, तो उनके लिए अच्छा है, भगवान उनको सद्बुद्धि दें, क्योंकि ये लोग जीवन में कभी सकारात्मक राजनीति तो किए नहीं है, ना इनके बाबूजी ने किया, ना माताजी ने किया, ना ये खुद करते हैं। तो मीडिया को नसीहत दे रहे हैं, तो इसलिए मीडिया को खुशी होनी चाहिए कि भाई चलिए अब लालू जी के लड़के सकारात्मक राजनीति करने की बात कर रहे हैं। कर तो सकते नहीं है, लेकिन कम से कम बात तो कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूं, अच्छी बात है। नए लड़के हैं, अगर ये इनके समझ में आए कि राजनीतिक सकारात्मक ही होनी चाहिए तो अच्छी बात है। देखिए, मेरा मानना है कि जब मनोज झा बोलते हैं तो लालू जी की आकृति उनके सामने होता है, और लालू जी की जब आकृति होती है तो लालू जी शुरू से समाज को विभाजित करने का काम किया है, और इन्होंने जो काम किया है ये कोई समाज नहीं स्वीकारेगा। ये ठाकुर समाज को आपत्ति होना स्वाभाविक है, लेकिन लालू जी को अभी तक माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन लालू जी की जुबान बंद है। इससे साफ जाहिर होता है अगर माफ़ी मांगनी है ठाकुर समाज से तो लालू जी को माफ़ी मांगनी चाहिए।